हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इन टू द क्लास। आइए हम सभी लेंस का रेखीय आवर्धन देखते हैं, ठीक है। लेंस का रेखीय आवर्धन, लाइनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, बात नहीं करो, लाइनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। क्या होता है रेखीय आवर्धन? यदि कोई वस्तु लेंस के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रख दी गई तो उसका क्या करेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात से, और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। और रेखीय आवर्धन को, रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो m बराबर आपका क्या हो जाता है? i बटे o हो गया, यानी क्या हो गया? i क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या हो गया? वस्तु की लंबाई, ठीक है। और इसके लिए सूत्र आपका आता है भी बटे यू, ठीक है। यानी क्या हो गया? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस के, बात नहीं करो अर्जुन, प्रकाशिक केंद्र से क्या हो गया? वस्तु की दूरी हो गया, ठीक है। अगर m का मान प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। अच्छा, प्रतिबिंब सीधा। m का मान माइनस में आ रहा है तो आपका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है लेंसों का रेखीय आवर्धन फोकस दूरी तथा यू और भी के पदों में। तो लेंसों का रेखीय आवर्धन, लेंसों का रेखीय आवर्धन m, फोकस दूरी f तथा वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में क्या करेंगे? संबंध निकालेंगे। पतले लेंस का सूत्र क्या है? पतले लेंस का आपका सूत्र है एक बटे f बराबर, पतले लेंस का सूत्र आपका एक बटे f बराबर एक बटे भी माइनस एक बटे यू आता है, ठीक है। क्या कह रहा है? दोनों पक्षों को क्रमशः भी तथा यू से गुणा कराने पे, दोनों पक्षों को भी तथा यू से गुणा कराने पे, तो इधर आपका क्या हो गया? इधर आप क्या करो? पहले समीकरण को भी से आप क्या करा दीजिए? गुणा कराने पे क्या हो गया? भी बटे एफ। और इधर आपका क्या हो गया? इधर यह हो गया भी बटे भी, इधर क्या हो गया? माइनस भी बटे यू हो गया,
तो इधर से आपका क्या हो गया, कितना था भी बटे भी। अब आपका इसको इधर ले आओ, क्या हो गया भी बटे यू बराबर ये हो गया भी बटे भी माइनस क्या हो गया भी बटे एफ हो गया, और भी बटे यू आपका क्या हो गया एम हो गया। तो ये आपका आ गया एम बराबर कितना हो गया भी बटे भी माइनस क्या हो गया भी बटे एफ। यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भी एफ, और ये आपका फॉल्ट कहां से हो रहा है, एफ माइनस डी बटे एफ और यू तो था बी से प्राप्त करने पे। देखिए आज दिन तो लग ही जा रहा है भैया। तो यहाँ से एक बटे एफ बी बटे एफ क्या हो गया बी बटे बी माइनस बी बटे यू, इधर आपका बी बटे यू बी बटे बी माइनस बी बटे एफ। तो भाई बी बटे यू आपका एम हो गया, बी बटे बी माइनस से बी एफ हो गया, इधर से आपका क्या हो गया ये हो गया आपका बी एफ, और ये क्या हो जाएगा एफ माइनस ये हो जाएगा कितना बी एफ, बी से बी कटा ये आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एफ भी, और इधर से आपका ये कटा तो क्या हो गया फट कर रहा है, फट कहाँ से कर रहा है ये कौन कह रहा है, दोनों पक्षों को क्रमशः बी तथा यू से गुणा करने पर भी तथा यू से गुणा करने से ये आपका हो गया, पहले एक बार इसको यू से गुणा कराओ, तो यू से गुणा करें तो कितना हो जाएगा यू बटे एफ, और इधर हो गया यू बटे भी, इधर कितना हो गया यू बटे यू, तो ये कितना हो गया एक बटे एम, और ये कितना हो गया एक बटे एम, और इधर कितना हो गया है आपका माइनस भी बटे यू, कहाँ से कर रहा है यू बटे यू, ये हो गया माइनस वन हो गया, फट कर रहा है ये कैसे फट कर रहा है ये। चलो डायरेक्ट फार्मूला लिखो, इसको डिराइव कराते हैं। एम बराबर इसका कितना दिया, एम बराबर दे रहा है एफ माइनस भी, एफ माइनस भी बटे एफ, और दूसरा एम बराबर कितना दे रहा है एफ बटे एफ बटे एफ प्लस कितना दे रहा है एफ प्लस यू दे रहा है। ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंस की चीज नहीं है, सिर्फ आपको रेखीय आवर्धन में आपको कौन सा फार्मूला याद रखना है, ये वाला वस्तु जो है आई बटे ओ बराबर बी बटे यू। ठीक है, तो बारे इसको डिराइव करा रहे हैं।